वेलकम बैक टू प्राचीज कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा चटपटे मजेदार मेरी दादी माँ की ये बहुत ही मजेदार रेसिपी। ये बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, 2-3 मिनट में बन जाती है। कुछ भी ज्यादा मसाले कम यूज नहीं करेंगे, पर ये साइड डिश के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। साइड डिश में आप इसे खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 चीजों का यूज करूंगी इसे बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 10 से 12 करीबी है मेरे पास सूखे आम, यानी कि आमचूर, या फिर इसे आमडिया भी बोलते हैं, और 2 टीस्पून भीगे हुई सरसों के दाने, ये येलो मस्टर्ड है, और 2 टीस्पून जीरा है जिसे मैंने भिगोए हैं करीब 10 से 12 मिनट तक। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक मिक्सर ले लूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी जो भिगो हुई सरसों के दाने, और जीरा को भी मैं इसी के साथ डाल दूंगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 3 ग्रीन चिली को डाल दूंगी। आप अगर ज्यादा तीखा खाते हैं और भी डाल सकते हैं, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालें क्योंकि आमचूर में नमक होता है, और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए 1 टेबलस्पून गुड़ डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून में यहाँ पर पानी डाल दूंगी, और इसका हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बन गई है, देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है और बिल्कुल रेडी है हमारा जो मसाला। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही मसाले को आमचूर यानी कि ये सूखे आम में डाल देंगे। कोई भी हमें यहाँ मसाला को पकाना नहीं है, सिर्फ कच्चा ही इसके ऊपर से डाल देंगे और इसका हमें मिला लाना है। अच्छे से हमें मिलाना है आमचूर में, और बिल्कुल नाइसली कोट होना चाहिए मसाला आमचूर के ऊपर, ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसके ऊपर से हम यहाँ पर थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, और बहुत ही चटपटे फ्लेवर भी देंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैं बड़ा सा पैन ले लूंगी, उसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून सरसों के तेल। इसी के साथ मैं डालूंगी 1 टीस्पून राई दाना, यानी कि जो है सरसों का बीज वही है डालूंगी, और 1 टीस्पून उड़द दाल। और इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता, और 1 रेड चिली को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको थोड़ा सा ही मिलाएंगे। तड़का जैसे बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से बनाएंगे, और गैस का फ्लेम हाई कर दे उस टाइम पर, और ये रेडी है। तो इसको अभी हम इसमें मिला लेंगे। आपको लग रहा होगा मसाला कच्चा लगेगी, पर आप इसे 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दें रूम टेम्परेचर में, उसके बाद इसे सर्व करें। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और इसका जो मसाला है आमचूर में अंदर तक जाएगी ये मसाला, बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनेगी। अगर आपका जो आमचूर है ताजा और नमक है इसमें, तो आप नमक इसमें स्किप कर सकते हैं, और इसको आप रोटी के साथ या फिर राइस के साथ साइड डिश की तरह खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी है, आप इस रेसिपी का जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले। सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर ले, ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले पा सके। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ये रेसिपी जरूर से जरूर ट्राई करें।